Welcome to Time News Studios. You are watching 5 p.m. Bulletin. मुल्क में कोरोना जा केसिस तेजी से बढ़ने बाद सिनेमाघर थिएटर्स और मज़ारूं फौरी बंद करने का फैसलो वफाकी वजीर असद उमर की सदारत हेठ एनसीओसी के इजलास में वड़न अवामी इज्तिमाउन ते पाबंदी वाली सिफारिश ते गौर। शादी हॉल्स में तकरीबन लाए गाइडलाइंस जारी। एनसीओसी जो चवण है तो 20 नवंबर का पोए शादी के तकरीबन में 500 का मानून की शिरकत ते पाबंदी होंदी। सकाफती सियासी और मजहबी तकरीबन में 500 का मानून की शिरकत ते भी पाबंदी लाए सलाह मशवरा। हाई रिस्क इलाकन में पाबंदियों सख्त करण की भी सिफारिश। सिंध में कोरोना वधीक 14 मरीजन जो हयातियों गिड़काए वो 720 नवा केस जाहिर थियण बाद सूबे में वायरस सटेलन जो अंग वधी 152,072 थी वो। कराची के मुख्तलिफ इलाकन में कोरोना एसओपीस की भंजकड़ी खिलाफ कार्रवाई। 2 रेस्टोरेंट्स, 1 सिनेमाघर, 1 स्कूल, 1 बेकरी सील मास्क न पाइण से शहरन मथा मजमू तौर 8,000 रुपया दंड विधो वो। कराची के सचल गोठ में कोरोना केस वधण बाद सरकारी प्राइमरी स्कूल 1 हफ्ते ला बंद। हैदराबाद के कासमाबाद वाले इलाके में 3 मास्टरयाणियों कोरोना में मुबतला। इंतजामिया गर्ल्स कॉलेज के 1 हफ्ते ला बंद कर छो। सिंध सेक्रेटरीट में तालीम खाते की ऑफिस आम मानून ला बंद। जारी थियल सर्कुलर में चयो है तो तालीम खाते के ऑफिस में अमले का सवाए बेन मानून की दाखिला से पाबंदी होंगी। खानोट भरसा कोयले की खान में लिफ्ट की रस्सी टुटण के नतीजे में 4 पोरियत दबजी फौत। रेस्क्यू टीम चैनी पोरियतन जा लाश बाहर कढ़ी वरता। इंतजामिया चवण है तो वाक्यो लाखड़ा कोल माइंस के खान नंबर 39 में पेश आयो। पोरियत 400 फुट ऊनी खाई में दबजी व्या हुआ। फौती पोरियतन में अख्तर समीर रहमान ताज मोहम्मद और कुलराम शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में जैसी हुकूमत ईंदी पाकिस्तान में भी उही हुकूमत चाहिए। कुछ कुवतों गिलगित बल्तिस्तान में वोट चोरी करने की कोशिश कर रही हैं। कें भी वोट चोरी करने की इजाज़त न दिनी वेंदी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है तो पैं जे पार्टीज चोर दरवाजे का इकतदार में इंदी हुई हाने उ भी आवाम का वोट घुरी रही हैं। यह असांजी जिदोजहद की कामयाबी है। 15 नवंबर से पीपल्स पार्टी के फतेह जो जश्न मल्हाइंदास। जिसकी हुकूमत अब जाने वाली हो तो गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा के अवाम क्या उसको वोट दे के अपना वोट जाया करेंगे? जबरदस्ती ला के हमारे सरों पर मुसल्लत किया हुआ इंसान ही सही, लेकिन वज़ीर आज़म की कुर्सी पर तो बैठा है ना, तो कितनी भिताई से वो ये कह रहा है कि महंगाई तो नहीं है, महंगाई तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जिस इंसान को ये पता ना हो कि उसका किचन कौन चला रहा है, उसका घर कौन चला रहा है, उसका खर्चा कौन चला रहा है, उसे आप मेरे नगर के भाइयों आपकी तकलीफ का क्या एहसास होगा? पाकिस्तान के कोने कोने से गरीब आवाम झोलियाँ उठा कर इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं। ये साल खत्म थियण का अग पीटीआई की हुकूमत हली वेंदी जेका हुकूमत बनण वारी हुजे छा गिलगित जो आवाम उनके वोट दई पंजो वोट जाया कंदो? नवाज लीग जी नायब सदर मरियम नवाज जो गिलगित बल्तिस्तान में चूंड जलसन के खिताब। मरियम नवाज चयो है तो जै मानू के खबर ही ना है तो संदस हुकूमत और घर जो खर्च केर पयो हलाए, उनके अवामी तकलीफुन जो कड़ो एहसास होंद? जोरी मरियल वजीर आजम मसला हल कर बदरा चई रो है तो ओपोजिशन पार्टीज महंगाई जो जिम्मेवार हैं। आवाम झोली झले इमरान खान के पिटू ए पारा ता दे रहा है। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज आई बिलावल भुट्टो जरदारी विच में अज अहम मुलाकात थी रही है। गिलगित बल्तिस्तान में चूंड मुहिम दौरान मरियम नवाज तरफा बिलावल भुट्टो जरदारी के चाय की दावत दिनी वही। मुलाकात में बिन्हीं पार्टीज का अगवान भी मौजूद होंदा। आई जी सिंध के मामले से जांच रिपोर्ट पदरी थे बाद पैदा थियल सूरत हाल से सलाह मशवरा क्या वेंदा। गिलगित जी इलेक्शन ते भी गालियों कई वेंदियों।
वजीर आजम इमरान खान की सदारत हेठ गड़ियल मफादन वाली काउंसिल जो इजलास खत्म। सिंध के वे वजीर मुराद अली शाह सूदो बन सूबन के वन वजीर शिरकत कई। इजलास में आदमशुमारी जहा नतीजा जारी कर समेत बन अहम मामलों से सलाह मशवरा। सीसीआई के इजलास का अग वे वजीर मुराद अली शाह की वजीर आजम इमरान खान से नवेकलाई में मुलाकात। बिजली और गैस की लोड शेडिंग सूदो सूबे के अहम मसलन से गाल। नाज़रीन टाइम न्यूज़ से गए आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर हेडलाइंस वारी टियूं तफ़सीली खबरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।